आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें आ रहे हैं कि व्हाट इज़ माइल्ड आईवीएफ और व्हाट इज़ लो कॉस्ट आईवीएफ। तो बेसिकली सी आईवीएफ में अधिकतर खर्चा जो होता है वो दवाइयों का होता है। जो एग बनाने के इंजेक्शन्स होते हैं वो बहुत महंगे हैं, 10-10 हज़ार रुपये के इंजेक्शन्स होते हैं, और कुल मिला के एक आईवीएफ साइकिल में ऑन एन एवरेज 70 से लेके 80-90 हज़ार तक के इंजेक्शन्स लग जाते हैं, जो एक आईवीएफ की कॉस्ट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो अगर हम किसी तरीके से इंजेक्शन्स की कॉस्ट को कम कर सकें बिना आईवीएफ को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, उसे हम कहते हैं लो कॉस्ट आईवीएफ, या मेडिकल लैंग्वेज में उसका नाम होता है माइल्ड आईवीएफ। दैट मीन्स कि हम कम इंजेक्शन्स के द्वारा आईवीएफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हम वी आर नॉट टारगेटिंग मेनी एग्स, वी आर नॉट टारगेटिंग कि हमें 10, 20, 15 एग्स मिले, वी आर जस्ट टारगेटिंग 3, 4, 5, 6 एग्स, जिससे हमें एक अच्छे 1, 2 या 3 एम्ब्रियो मिल जाएं। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमें 2-3 एम्ब्रियो से ज़्यादा डालना भी नहीं होता और डालना भी नहीं चाहिए। तो वो 2-3 एम्ब्रियो हमें 5-6 एग से मिलें, 4-5 एग से मिलें या 20 एग से मिलें, उस साइकिल की सक्सेस के लिए मैटर नहीं करता। फॉर दैट सक्सेस फॉर साइकिल कि अगर हमें 2 एम्ब्रियो मिल रहे हैं दैट इज़ मोर देन एनफ, बट पेशेंट की कॉस्ट काफ़ी बच जाती है। अब क्वेश्चन यह है कि किन पेशेंट्स में हम माइल्ड आईवीएफ चूज़ करें और किन पेशेंट्स में हम स्टैंडर्ड नॉर्मल आईवीएफ चूज़ करें। सो आई वुड से देर आर 2 टाइप्स ऑफ पेशेंट्स जिनके लिए माइल्ड आईवीएफ बहुत लाभकारी हो सकता है। नंबर 1, पेशेंट्स जो जिनका ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है, जो जिनके पास एग्स हैं ही कम अंडेदानी में, लाइक उम्र ज़्यादा है, 40 साल की कोई लेडी हैं, 38 साल 39 साल, या जिनका AMH वैल्यू बहुत कम है, 0.2, 0.3, 0.4 AMH, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें पता है कि हम लाखों रुपए के भी इंजेक्शन लगा लें तो भी हमें 2-3-4 एग्स ही मिलेंगे। और ऐसे पेशेंट्स में अगर हम कम नंबर ऑफ़ इंजेक्शन्स लगाएं तो भी हमें 2-3-4 एग्स मिल जाएंगे, तो हमें ज़्यादा इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को हम कम इंजेक्शन्स के थ्रू कम कॉस्ट में आईवीएफ कर सकते हैं विद द इक्वली सक्सेसफुल रिजल्ट। सेकेंड टाइप ऑफ पेशेंट्स वो हैं जिनका ओवेरियन रिजर्व नॉर्मल है, जो यंग हैं, लेकिन जिनका आईवीएफ ही एक ऑप्शन है, हो सकता है बायलेटरल ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो सकता है हस्बैंड के स्पर्म काउंट कम हो, जिनका हमें पता है कि आईवीएफ के सिवाय कोई चारा नहीं है, लेकिन वो पेशेंट एक्सट्रीमली पुअर होने की वजह से आईवीएफ अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसके लिए एक माइल्ड आईवीएफ और स्टैंडर्ड आईवीएफ की कॉस्ट का फ़र्क ही बहुत बड़ा फ़र्क है। सरकारी हॉस्पिटल वो जा नहीं पा रहे टाइम की वजह से या सरकारी हॉस्पिटल्स की परेशानियों की वजह से, और प्राइवेट में वो आईवीएफ करा नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हम कम इंजेक्शन्स के थ्रू माइल्ड आईवीएफ के थ्रू एक अच्छा ट्रांसफ़र ऑफ 2-3 एम्ब्रियोज दे देते हैं, सो दैट गिव्स दम एन इक्वली सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ अबाउट 40-50%। ओनली डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड माइल्ड इज इन दिस पेशेंट इज कि दे विल नॉट गेट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज टू फ्रीज, जो कि हमें स्टैंडर्ड आईवीएफ में मिल जाते हैं कि अगर हमें 10, 12, 15 अंडे मिल गए और 2-3 बच्चे हमने डाल दिए तो उसके बावजूद हमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियो मिलते हैं टू फ्रीज फॉर अ सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट। बट इन दिस पेशेंट वी आर लाइकली टू गेट जस्ट 1 वेरी गुड अटैम्प्ट एट आईवीएफ, बट दिस इज़ वेरी गुड फॉर पेशेंट्स जो अदरवाइज किसी भी तरीके से आईवीएफ नहीं करा पा रहे हैं।